Hello friend, welcome to my channel. Today I am going to discuss three different scanning technique. इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को देख कर कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. आने वाले दिनों में हम इसमें और भी नई चीज़ें, जैसे कि 10th 12th की साइंस, 11th 12th की मैथ्स, कॉमर्स, सभी इस चैनल पे हम इंक्लूड करेंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे मिल जाएगी. सो फ्रेंड, इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए. चलिए कंटिन्यू करते हैं. हमारी जो पहली टेक्निक है उसका नाम है हम बिटोनल स्कैनिंग टेक्निक. ये टेक्निक जनरली हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका यूज़ प्रिंटिंग या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की इमेज स्कैन में हम यूज़ करते हैं. इसमें लेकिन हम हैंड राइटिंग को क्लियरली नहीं विजिबल कर पाते. हैंड राइटिंग की हमारी कैप्चरिंग उतना क्लियर नहीं होता जितना कि हम ग्रे स्केल में यूज़ करते हैं, देखते हैं. ग्रे स्केल में हमारे ब्लैक एंड वाइट के 256 शेड्स होते हैं, जिससे हैंड राइटिंग वगैरह इसमें क्लियरली डिस्प्ले होती है. ये हमारे पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह, जो पेपर में लिखे हुए नोट्स होते थे, उसको भी अच्छी तरीके से स्कैन करने के लिए ग्रे स्केल परफेक्ट है. नेक्स्ट जो थर्ड टेक्निक है हमारी, वो है कलर स्कैनिंग टेक्निक. कलर स्कैनिंग टेक्निक में हम थाउजेंड्स ऑफ कलर्स के साथ डील करते हैं. इसमें जैसे कि हमें मैप, डायग्राम और एनी अदर पिक्चर को हमें कैप्चरिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहती है. इससे हमारा जो भी इमेज होता है या फिर जो भी स्कैनिंग होती है उसका नेचुरल अपीयरेंस आता है. सो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं हमारे कि ये तीनों इमेज स्कैन करने पे हमें रिजल्ट कैसा देती है. पहली वाली जो इमेज है वो हमारी बिटोनल इमेज की है, सेकेंड वाली हमारी ग्रे स्केल की है और थर्ड वाली हमारी कलर स्कैनिंग की है. सो फ्रेंड, आज के टाइम पे हम कलर स्कैनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं. ये डिफरेंस जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था. सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.